بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا بے شمار درود و سلام ہون امام الانبیاء والیے بطہا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بزرگو دوستو عزیز بھائیو انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں بہنوں بیٹیو دو تین جمعے تو بات چل رہی سی معراج مصطفیٰ والی معجزہ معراج اس واقعہ دا ہر بندہ ہی علم رکھ داوے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو اس معراج والے معجزے دے نال ہم کنار فرمایا اللہ جل شانہ نے اس معجزے دا ذکر کردیا ہویا ابتدا جڑی کیتی ہے نا اس واقعہ دی تاکہ اچھی طرح ہر بندے دی سمجھ آ جاوے مکے والے تو ویسے ہی ایویں ہٹ دھرمی تے لگے سن اللہ پاک نے گل دماغ دے اندر آن والی خود کر دیتی ہے اگر تہاڈا ابو جال ابو لاب دا دل نہیں مندا دماغ نہیں مندا کہ انے وقت دے اندر رات دے تھوڑے جے ٹائم دے اندر اللہ دے نبی اتنا کچھ ویکھ کے پھر واپس آ گئے اس سارے واقعہ دی سمجھ لگ جاندی ہے یقین آ جاندا وے جے اس ایت ہی بندہ غور کر لے کیڑی تے جڑی میں ابتدا دے اندر تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ پاک نے معراج والی سیر دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے ان دی ابتدا ہی اللہ پاک نے لفظ سبحان تو کیتی ہے اے بندہ سوچے کہ سبحان کہندے ہی انہوں نے جڑی عقل نہ مننے تے جڑا وہ کم کر دے وہ انہوں سبحان کہندے بس گل مکی قرآن مجید دے اندر بڑی جگہ دے لفظ سبحان استعمال ہویا ہے اللہ پاک منو کما حقہو بیان کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے میں بیٹھنا نہیں سا چاہتا کمر دے اندر شدید درد دی وجہ تو دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ پاک نے جڑا آپ خود فرمایا ہے نا ذرا دوبارہ سماعت فرماؤ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں او کائنات لوگوں مکے والے ہو عرب والے ہو عجم والے ہو
अल्लाह अपने बगाने जेड़े तुसी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़दे हो वह भी सुन लवो, जेड़े नहीं पै पढ़दे वह भी सुन लवो। ये जेड़ा थोड़े जे वक्त दे अंदर इतना बड़ा लंबा सफ़र कराया वे अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, ये पहले सफ़र करन वाले दी बजाए जेड़ा सफ़र करवान वाला वे उन्दे वल गौर कर लो। जान वाले तो पहले जेड़ा लैके जान वाला वे ओ कौन है, ओनू कहिंदे ने सुबहान लजी असरा भी अबदी। ओ लैके जान वाला सुबहान है, सुबहान दे आम तुसी ते मैं माने करने आके हर ऐब तो पाके पाक जात नू सुबहान कहिंदे ने। ये ही सिर्फ माना नहीं दा बल्कि केड़ियां केड़ियां गल्लां तो सुबहान है, वो कमियां तो भी पाके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो जनाब आजजियां तो भी पाके, वो ता कादर कदीर बड़ियां ताकतां वाला वे। ता अल्लाह पाक ने फरमाया सुबहान लजी असरा भी अबदी, ये सुबहान लैके जान वाला अपने पैगंबर नू, ते सुबहान कहिंदे किनू ने, अल्लाह फरमांदे ने सो कायनात दे लोगो मैं सुबहान आ, मैं सारा कुछ कर सकना वा, सारी मखलूक रल के कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कुन कहना ते सब कुछ कर देना वे। अल्लाह अकबर। सुबहान सिर्फ पाक ने केड़ियां केड़ियां गल्लां तो पाके, अल्लाह फरमांदे ने दस मेरे महबूब पैगंबर तेरे मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया लोगो अल्लाह केड़ियां केड़ियां गल्लां तो पाके, फरमाया कह दियो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अपनी औलाद तो भी पाके उन्दी औलाद कोई नहीं, वो किसे विच्चों नहीं उन्दे विच्चों कोई नहीं दा, वो इन्हां चीज़ां तो पाके अल्लाह अकबर। उन्दी शराकत वाला कोनी उन्दे नाल शरीक कोनी, वलम या कुल्लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे महबूब पैगंबर इन्हां लोगों नूं कह दियो मैं केड़ियां केड़ियां गल्लां तो पागा, अल्लाह फरमाते ने मेरा को हम सर नहीं हम सफर नहीं, मेरे जया मेरे वगैरह मेरिया बराबरियां करने वाला कोई नहीं, मेरी सिफात वाला कोई नहीं, मैं अकला वा वाहदहू ला शरीक हाँ, ओनू सुबहान कहिंदे ने। ते दूसरे लफ्जा दे अंदर सुबहान का मन आए वे जदों बंदा अपनिया आजजियां का इकरार कर लवे ते रब दे कादर होण दा ऐलान कर देवे कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकदा तू सब कुछ करन वाला वे। आ देखना जिथे जिथे अल्लाह अकबर लफ्जे सुबहान इस्तेमाल होया वे, आ मैं ते तू नमाज ही पढ़नी शुरू करने आ, नमाज तो पहले चौधरी साहब भी तेनू कहिंदे ने, वजीरे आजम भी कहिंदे ने, नाजम साहब भी कहिंदे ने, MPA MNA भी कहिंदे ने, सरदार साहब भी कहिंदे ने, अल्लाहु अल्लामा साहब भी कहिंदे ने, मुगल साहब मार साहब भी कहिंदे ने, लेकिन जदों तू अल्लाहु अकबर कह के नमाज दे अंदर दाखिल हो गया वे, जदों अल्लाह दे सामने पेश हो गया वे, उदों तू अपनी जबान तो की कहना वे, कहना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह सोनिया तू हर चीज तो पाके मैं तेरा आजज बंदा वा ते तू ताकत वाला खालक।
फिर कुछ भी नहीं कहता मैं कुछ नहीं सुबहानक अल्लाह हुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाह सोनिया मेरिया चौधरा तो पहले पहले सन, मेरा इलम तो पिछे पिछे सीधा, हूँ तेरे सामने तो मैं आजस ते फकीर बन गया वा। इत मैं कुछ भी नहीं, तेरे को सारिया ताकत, तू कुदरत का मालक है। वाबी हम्दिका अल्लाह तेरिया ही हमदम कर रहे वा, तेरिया सनावा कर रहा वा, तेरिया तारीफा कर रहा वा। ते नाले कहना वाला इलाह गैरुक, अल्लाह सुनिया मैं ये भी प्या ऐलान करना वा, तेरे तो इलावा होर इलाह ते मबूद कोई नहीं दा, जिंदी मैं इबादत करा, जिंदे सामने मैं खड़ो के अपनी आजजियां दा इकरार करा। ते अल्लाह अकबर जिंदे ताकतवर होन दा ऐलान करा। या अल्लाह तू ये सिर्फ तेरे तो इलावा कोई मेरा हाजत रवा, मुश्किल कुशा कोई नहीं दा, नफे नुकसान दा मालक कोई नहीं दा। अल्लाह तू वाहदहू ला शरीक है। ये बंदा अपनी आजजी का इतराफ कर रहा वे, अल्लाह दे कादर ते पाक होने का ऐलान कर रहा वे। इत्थे ही नहीं, कुराने मजीद के अंदर एक होर मकाम ते अल्लाह अकबर लफ्ज़े सुबहान का इस्तेमाल होया है। अदरा तवज्जो फरमाओ, फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अंबियूनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह पता जे ना, जो बंदे नू अल्लाह पाक ने बनाया, आदम नू पैदा कीता, ते फरिश्तियां नू पुछया, उलमा कोलो सुनदे रहिंदे हो कि वइद काल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं अपने जमीन ते अपना एक खलीफा बनाना चाहना वा, बंदे नू बनाना चाहना वा, पैदा करना चाहना वा। ओ मेरे फरिश्तियो की ख्याल है तुहाडा? फरिश्ते कहिंदे ने नहनु नुसब्बिहु बिहम्दि वनु कद्दिसु लग, अल्लाह सोनिया असी तेरिया दिन रात सबीहात करने, रुकू दे अंदर तेरिया तारीफा, सजदे दे अंदर तेरिया तारीफा, क्याम दे अंदर तेरिया तारीफा हो रही ने, दरिंदे परिंदे पे तेरिया तारीफा करते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या अल्लाह तू ना ही बना दे चंगी गल, असी जो है वा तेरिया तस्बी पढ़न वाले। अल्लाह फरमाते ने इन्नी आलम माला तालमून, ओ फरिश्तियो जो मैं जानना वा तुसी नहीं जानते, तुहानू नहीं पता। बना दिता अल्लाह पाक ने, वाकया सुनाना मकसद नहीं, आदम अलैह सलातो सलाम नू पैदा कर दिता, बना दिता साढ़े बाप नू, ते फिर फरिश्ते इस गल तो आवाज आ रहा सन कि असी आखिया रहन दे, तो फिर गल रड़कती रही ना, आखिया इन्होंने अंदरों भी इन्हों ठंड पै जाए, इतमान हो जाए, मुतमिन हो जान। अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों के नाम मुफस्सरीन ने लिखे है, खाण पकाने वाली चीज़ों के नाम सन। अल्लाह अकबर। और चीज़ा लिया के सामने रखिया, फरिश्तिया क्या कि दसो इन्हों के नाँ की ने, बाद ने कहा हांडी रोटी रोटी तवा परात, इंज दियां चीज़ां सन, खान पीन वाले बर्तन या होर कोई जो भी चीज सी, फरिश्तियां नू पुछया। फकालम बियोनी बी असमाई हाउलाई कुल तुम सादिकी,
अगर तुसी सच्चे हो ते फिर इन्हां चीज़ां दे नाम तां मैनू दसो ना, ये चीज़ां दे नाम की ने। अल्लाह अकबर। फरिश्ते उन्हें बिट बिट एक दूजे वल वेंदे ने, ना उन्हां कदे खाता ना पीता ते ना किसी चीज़ का पता, ना खाण पीण वालियां चीज़ां दा उन्हां कोल इलम। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह दे सामने जदों आजज़ हो गए ने ते की कहिंदे ने, कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कहते ने सुबहानका, अल्लाह तेरी जात पाके असी नहीं इंदा इलम जानते, इल्ला मालम ला इलम लाना इल्ला मालम तना, सानू तो पता नहीं, सानू तो उन्नी चीज़ का ही पता चल दे जिन्नी तू सानू दस देना वे। या अल्लाह असी कमजोर हाँ, तू ताकत वाला शाह जोर है, सुबहानका तू पाके तेरी जात पाके। अल्लाह अकबर। असी साढ़े अंदर कमजोरियां ने, साढ़े इलम के अंदर एक गल कोई नहीं दी। अल्लाह अकबर। इन्ना कान तल अलीमुल हकीम, तू जानना भी सब कुछ ते हिकमत ते दनाइयां भी सब तो वड्डियां तेरे कोल ने। अल्लाह सोने, असी अपनी आजजी का इकरार कर रहे हैं ते तेरे ताकतवर होन दा ऐलान कर रहे हैं। ये भी लफ्ज़े सुबहान ते के बंदा होवे फरिश्ता होवे आखे मैं कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। या अल्लाह सब कुछ तेरे कोल है। होर कुराने मजीद के अंदर अदरा तवज्जो करिया गे, हजरत यूनुस अलैहि सलातो सलाम नूं थोड़े बहुत जानते होवोगे तुसी। आ बाऊ और पुछो भला जानते ने कि सुते ने। अल्लाह अकबर। मैं क्या हजरत यूनुस अलैहि सलातो सलाम नूं जानते हो ना बाऊ जी? कई बंदे जानते ने अल्लाह के नबी सन हजरत यूनुस अलैहि सलातो सलाम। उसे भी लफ्ज़े सुभान का इस्तेमाल होया। अल्लाह अकबर। कौम दे कोलों नाराज हो गए ना, कौम तो तंग आ गए, कौम आखे नहीं लग दी, आखे तुसी को मर जाना है पुठे, तुसी जाना है काबू आ अल्लाह दे, मैं चलिया जे मैं तुहाडे नाल, मैं नहीं अल्लाह दे काबू आना चाहता, तुसी बाज नहीं आते, निकल आए कौम नू छड़ के। ये भी पता है कि राह दे अंदर कश्ती ते बैठना पिया, कश्ती ते सवार हो गए, थोड़ा जा कटा दे, थोड़ी जी को कटा, जदों सवार हो गए ना कश्ती ते, अल्लाह दे कुरान ने उस बात का तज़किरा किया है, फरमाया वज़न्नूनी इज़्ज़ाबा मुगाज़िबन फज़न्ना अल्लन नक़दिरा अलैही फनादा फिज़्ज़ुलुमाती अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ए यूनुस अलैहि सलातो सलाम ने जदों मछली दे पेट विच अल्फाज अदा कीते ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यूनुस अलैहि सलातो सलाम अल्लाह दे नबी ने ते कश्ती वालिया ने बिठा लिया। बंदा बड़ा सोहना लगदा वे, बड़ा खूबसूरत बाबा वे, इनू बिठा लईए। जदों अल्लाह दे नबी कश्ती विच बैठे ने, लोगो गुस्सा ना करे, अजे मेरी गल नहीं ते इत्ते करीमा में, ये अपने घर जाके जेड़े मर्दी मजहब के मौलवी का तर्जमा पढ़ के वेख लिया जे, भावें दियोबंदियां का पढ़िया जे, भावें बरेलवियां का पढ़िया जे, भावें वाबियां का पढ़िया जे, मैं तो समझ ना आ गए गल ही कौन दी,
मैं तो अक्सर ये मिसाल देना, ये साड़िया वखरा वखरा जिहड़ा काम है ना, ये इंज समझो कि जिवें एक देग वंडन वाला देग वंडदा है ना जदों, तो एक बच्चा चौल लैन आंदा वे ओ प्लेट लैके आ जांदा, दूसरा डोलनी लैके आ जांदा, तो तीसरा जनाब आंदा तो छापर लैके आ जांदा, चौथे नूं होर कुछ नहीं लभदा, तो वह झोली अगे कहिंदा भा इहदे विच ही पा दे, तो मेरे भरा दे भी पा दे, तो मेरी छोटी भैन दे भी पा दे। तो मैनू दयानादारी नाल दस्या जे, कदे अज तक वह मांगत बच्चे आपस च लड़दे वेखे जे कि तू प्लेट क्यों लैंदी, और तू छापर च क्यों लैंदा पिया, और तू डोलनी करमंडली चुकी फिरना क्यों चुकी आ। समझते ने जी आपस लड़ पै ना, तो जोड़ा देंदा है पाया तंग आ गया ना, तो उन्हें कनाली उत्ते रखनी, उन्हें कहना सारे दफा हो जाओ, वो नहीं लड़ते अल्लाह दे मांगत जे तुसी सारे ही। एवं मौलवी साहब ने अपनिया रंग लाया, लाल रंग दियां भेटा मेरिया, काले रंग दियां तेरिया, अल्लाह उस खालक और मालक दी मखलूक हो तुसी। तो मैं तां वास्ते मैं तो इख्तलाफी गल करन दा ज़्यादा शौक नहीं रखता, लेकिन कुरान वाली गल भी नहीं छुपानी चाहिए, ये भी बदध्यानती है। फिर फरमाया वज़न्नूनी ज़हब मुगाज़िबन फजल्ला फजन्ना लन नकदिर अली फनादा फिज़ुलुमाति अल्लाह इला। जदों यूनुस अलैहि सलातो वस्सलाम नबी अल्लाह दे सब तो शाना वाली जमात ते नबियां दी जमात, लोग सारी कायनात दे लोगों विचों सब तो अजमतां वाली जमात, अल्लाह दे नबियां ते रसूलां दी जमात, करोड़ां जनाब अरबां वली जिहड़े ने इकट्ठे कर लईए, पैगंबर दी जुत्ती नूं लगण वाली मिट्टी दा मुकाबला भी नहीं कर सकदे। आ नबी अल्लाह दा जे ए कुरान तुहाडे सारिआं दे घरां विच मौजूद है, ते जरा अज इस गल ते गौर करके वेख लिया जे, जदों अल्लाह दे नबी कश्ती विच बैठे ने ना, ते कश्ती डगमगाण लग गई, मौलवी साहब को पूछ लिया जे, अपने पसंदीदा मौलवी नू पूछ लिया जे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अपनी कंपनी दे मौलवी साहब नू पूछया जे कि मौलाना वाकई गल इंज होई है, अल्लाह दा नबी जदों कश्ती विच बैठा वे ते कश्ती डगमगाण लग गई है, घूमण घेरिया विच फसदी है। उदू पहले भी ठीक सी ते बाद जी भी ठीक होगी। अल्लाह दे नबी बैठे ने कश्ती डगमगांदी है, ते कश्ती वाले कहिंदे ने ओए कौन है ओ जिहड़ा बंदा ऐसा विच आ गया है अपने आका दी इजाजत तो बगैर, जिंदी वजह तो सारे डुबण लगे हाँ। उन्हें कहा जल्दी करो कश्ती नूं ढक के नजर आ, कुर्रा पाना शुरू कर दियो, अल्लाह कुर्रे पै रहे ने, किंदा नाम निकल पवेगा, उन्हूं थले ला देंगे बाकी बच जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एक दफा कुर्रा पाया वे, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामला दे नाल, मैं तो कहना उन्हें फरिश्ते नू आर्डर देता होगा, जा जाके मेरे यूनुस नबी वाली परची उस बंदे दे हाथ विच दे दे। अल्लाह आ परचियां नहीं पाते, आ जिहड़ियां तुसीं कमेटियां ते परचियां पाते जे, बेईमानी करनी हो तो सारिया तो एको ही नाम लिख लिया, तुहाडे सामने वेखो भैणा, मैं ईमान कुरान नाल अभी तो सारे के सामने ही कढ़ने ईमान कुरान नाल, तो वह झकते रहते ने दूजे मिंबर कि हूँ सियाना बहना बनता जो सियानी बहनी बीबी हूँ तो की इन आगे जो परचियां फरोलो तो जी चाहते हो सारे तो ही ना लिखा हो। अल्लाह इंज परची पई है ना जदों, तो अल हज़रत यूनुस अलैहि सलातो वस्सलाम के नाम वाली परची पकड़न वाले दे हाथ आ गई है। जदों इंज परची नू खोले आवे ते आखिया यूनुस तुहाडा ही ना है, यह नहीं मेरा ही ना है, वो हैरान शशदर मुतहैर हो गए, कहते ने है तो बंदा बड़ा खूबसूरत है, नबिया की निशानी एक ये भी होंगी है बहुत बड़ी, अल्लाह पाक जिन्हों नबुवत ता कर दावे वह खूबसूरत बड़े होंगे,
पहले अल्लाह हुस्नो जमाल अता कर दावे फिर नबूवत अता कर दावे। अल्लाह अकबर। यूनुस अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत अल्लाह दे नबी ने। अल्लाह अकबर। बंदे हैरान शशदर हो गए, कहिंदे ने यार गलती नाल निकल आईए, दोबारा जनाब ट्राई कर लवो, ये बंदे दा चेहरा इंज दा नहीं लगदा, दूसरी दफा परची पाईए। फिर नाम यूनस नबी दा निकलिया अलैहि सलातो वसलाम दा, तीसरी दफा परची पाईए। फिर यूनस अलैहि सलातो वसलाम दा नाम निकलदा वे, फिर कश्ती वाले आजज आ जांदे ने, कहिंदे ने बाबा जी हुण साडे बस दा रोग नहीं जे, बार बार तुहाडा ही नाम प्यांदा है। लो फिर बिस्मिल्ला करके जरा पानी विच छाल मारो ना। अल्लाह अकबर। लोगो ये नावल नहीं, कहानी नहीं, अल्लाह दा कुरान ने, अल्लाह दे कुरान ने तज़करा कीता वे। फरमाया जदो यूनस अलैहि सलातो वसलाम नो कश्ती वालियां ने पानी दियां मौजां दे हवाले कीता, अल्लाह पाक फरमांदे ने असी अपनी उस पानी वाली मखलूक नू आर्डर कर दिता, नी मेरी ये मछलीए जा जल्दी जल्दी मेरे यूनस नबी नू कढ के पानी विच सुट्टण लगे ने, तू जल्दी जा के कश्ती दे करीब खड़ी हो जा ते अपने मुंह दे अंदर, अल्लाह अकबर, अपने पेट दे अंदर मेरे यूनस नबी नू रख लवी, ए मेरी अमानत दी, इंदिया वाल भी एक मैं डिंगा नहीं होन देना चाहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अकलां नहीं मनदियां, रात दियां तरीकियां दा अंधेरा अलग है, अल्लाह अकबर, मछली दे पेट दा अंधेरा अलग, पानी दियां मौजां दा अंधेरा अलग। लेकिन हजरत यूनस अलैहि सलातो वसलाम मछली दे पेट दे अंदर चले गए ने। अल्लाह दा कुरान कहिंदा है मछलियां दे पेटां अंदर गईयां चीज़ां कदे अज तक वापस नहीं जे आईयां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिहड़ी पेट दे अंदर चीज़ चली जावे उस हालत दे अंदर कदे वापस नहीं आ सकदी। अल्लाह फरमांदे ने मैं दसना ही चाहना वा, ओ लोगो जिन्हों मैं वापस लियाना चाहवा, फिर कोई दुनिया की ताकत उन्हों रोक भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे नबी यूनस अलैहि सलातो वसलाम हुण मछली दे पेट विच अल्लाह दे सामने पैतर ले मारदे ने, अल्लाह सोणिया माफ कर दे, अल्लाह सोणिया नजा ता कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्तजामा कर रहे ने, दुआवा कर रहे ने, बड़िया दुआवा कीतिया ने। अल्लाह अकबर। ते वखरे वखरे कौंपणिया दे मौलविया ने लिखिया वे, एक कौंपणी दा बंदा लिख दवे, उन्हां तां उन्हां जनाब मछली दे पेट विच पता है की आखिया सी। मैं क्या की आखिया सी? कहिंदा उन्हां क्या सी, तैनू ईसा मसीह दा वास्ता ही माफ कर दे। दूसरा बोलिया, वह कहिंदा नहीं नहीं कमलिया, इंज कदों आखिया सी? उन्हां तां क्या सी, तेनू पंज तन पाक दा वास्ता ही माफ कर दे, नजात अता कर दे। होर एक बंदा बोलिया, वह कहिंदा नहीं जी, उन्हां तां इंज किया सी कि तेनू उस नबी दा वास्ता ही जिंदा अरशे मुअल्ला ते कलमा लिखिया ही माफ कर दे। अल्लाह फरमांदे ने ओ बदनसीबो, क्यों बहस कर दे हो, जिवें उन्हें मैनू आखिया वे, मैं कुरान विच दर्ज करके कुरान मुहम्मद नू अता कर दिता वे, इस उम्मते मुहम्मदिया नू ओ मैं गल महफूज करके रिकॉर्ड करके कुरान विच। अल्लाह अकबर। जिन्हों तू ते मैं ऐते करीमा कहने आ। अल्लाह अकबर। फरमाया ओ मैं जुमला अपने नबी दा निकलिया होया कुरान दा हिस्सा बना दिता वे, जाओ जाके पढ़ लो ते वेख लो मैं की आख्या वे, उन्हें की आख्या वे, उन्हें की किया वे मैनू, ते मैं उन्हों नजात अता की। उन्हें कह ला इलाहा
इल्ला अंत सुबहानका। अल्लाह सोनिया तू सुबहाने, सारिया ताकतां ते कुदरतां दा मालक है, तेरा शरीक भी कोई नहीं दा, तेरी औलाद भी कोई नहीं, तू औलादा तो भी पागे, तू अंगा साकां तो भी पागे। अल्लाह सोनिया मैं तेरा कमज़ोर नबी हाँ, तू शाहजोर खालक और मालक है। उन्हें कह ला इलाहा इल्ला अंता, या अल्लाह इन्हां मुसीबतां परेशानियां दे अंदर इस जगह ते मैनूं को नजात दे सकदा वे ते अरशां वाला खुदा ही दे सकदा। इंज बंदे नूं इत्थे दुनिया ते किसे नूं कह देणी यार जे तू नहीं ना करना ते फिर तेरे तो अलावा मेरा आसरा कौन है, वह बंदा ही अपने सिर पैर की बाजी ला दिंदा। ते जेहड़ा अल्लाह नूं कह दे अल्लाह तेरे तो इलावा मेरा होर कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा, यही तो इकबाल ने किया सी ना कि अगर जे बुत हैं जमात की आस दिनों में, अगर जे बुत हैं जमात की आस दिनों में, मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह दे नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही जुमला अपनी जबान तो अदा किया वे कि ला इलाहा इल्ला सुबहानका। अल्लाह सुनिया तेरे तो इलावा इत्थों नजात देन वाला कोई नहीं। अल्लाह पाक दी रहमत जोश दे अंदर आई है, पूरी कायनात दे लोगों नूं इह सबक दे दिता वे, ये कुरान का हिस्सा बना के पैगंबर अपने ते नाजिल कीता वे, मुहम्मद सल्लम नूं एक कुरान अता कर दिता है ताकि दुनिया नूं पता चल जावे लोगो वड्डी तो वड्डी मुसीबत इस तो वड्डी मुसीबत परेशानी की आनी बंदा मछली दे पेट विच चला जावे। अगर उत्थों भी नजात मिल सकदी है ते ये जुमला पढ़न नाल अल्लाह अता कर सकदा। आयते करीमा अड़े बीबी आयते करीमा घर पढ़ा दी, बीबिया या इत करीमा पढ़ा दिया ने तो या सूरह यासीन पढ़ा दिया। यासीन उदों लोग पढ़ाते हैं जो बंदा मार रहा हो। मैं कई दफा क्या ये कुरान आया सी लोगों नूं जिंदगी देने वास्ते, इहदे नाल लोगों नूं जिंदगी मिलती है, जिंदगी जीवन का चज वसब आता वे इस कुरान का। जिहड़ियां कौमां ने इहनूं पढ़िया है इहनूं नाजरा पढ़ो सवाब है, तर्जमे ना पढ़ो होर समझ आएगी, तफसीर परोगे होर समझ आएगी, इन्दे ते अमल पैरा हो जावोगे, दुनिया और आखिर संवर जाएगी। अल्लाह, लेकिन असी तो कहने के सूरत यासीन पढ़ो इस वास्ते रखिए कि जो तो बंदा मरे ना ना तो फिर बीबिया आपे ही पेंदियां ने, दो घर जा रही ने, दो वापस आ रही ने, वो कहदियां ने की हाल है बाबे होरां दा, मरवांदे ने कोई नहीं हाल, पढ़ना शुरू कर दिता ने आ जाओ वापस, मतलब आ जाओ वापस, पढ़ाई शुरू हो गई जे, मतलब बंदा मारू मरना शुरू हो गया समझ लो, उन्हें पढ़ाई शुरू कर दी, आ जाओ बस हुण हो गई शुरू पढ़ाई, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। कैसी जहालत दी अखीर है यार, ए कुरान तो जिंदगी अता करता मेरे भाईओ। फरमाया अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ओ कायनात दे लोगो जदों भी मुसीबत परेशानी आ जावे इंज करके अपने खालक और मालक नूं बुलावोगे, अल्लाह पाक तुहाडियां सारियां मुसीबतां दूर कर देवेगा, तुहाडियां मुश्किलां आसान कर देवेगा। सिर्फ ये कहने के इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुंतु मिने ज़ालिमीन, या अल्लाह तू सुबहान है, ओही सुबहान जेड़ा रातों रात अकल नहीं जिन्हों मन दी इन्नी सैर करा के अपने पैगंबर नूं फिर उस मकाम ते लिया। अल्लाह ता ही तो यज़दानी शहीद फरमाया करते सन सुबहान दे बारे,
आंदे सन सुबहान है तू रहमान है तू ऐ सुबहान है तू रहमान है तू ऐ कोई तेरी सिफतें पा न सका सुबहान है तू रहमान है तू कोई तेरी सिफतें पा न सका जब हुक्म हुआ तब मी बरसा जब हुक्म हुआ तब मी बरसा ऐ मालिक अबर तेरे सवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका ओए खालिक वो नहीं कादिर वो नहीं बन सकती नहीं जिन से कोई एक मक्खी भी ओए मक्खी तो बनाना दूर रहा मक्खी तो बनाना दूर रहा एक बाल भी बदला जा न सका अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह पाक ने इस बात का ऐलान कराने वास्ते 1,24,000 अंबिया भेजे आवे के लोगो वेख लवो मैं हर नबी नू इस गल लई भेजे आवे ए 17वां पारा अल्लाह का कुरान कहंदा वा मार सल्ला मिर रसूलना इल्ला नूही इलई अल्लाहु इलाहा इल्ला अना फाबुदून ओ लोगो अपने खालके हकीकी दी पहचान कर लवो ओ बड़ा रहीम और करीम रब जे उंदे वगरा रहीम कोई नहीं दा नबी इस दुनिया ते आए ने ते सारी कायनात नू रब दे दरवाजे ते बुलाण वास्ते आए तां नबी पाक दे मतलब भी क्या है के दाइयन इलल्ला अल्लाह दे दरवाजे ते सुनिया तू मैं रब दे दरवाजे ते लोगों नू बुलाना वें अल्लाह दे दरवाजे ते चुकाण वास्ते आए ने कि अल्लाह वगरा लोगो रहीम ते करीम कोई नहीं जे अल्लाहो अकबर तू एवें ही उन्नू छड़ के उन्दा दरवाजा छड़ के मखलूक दे दरवाजे ते जाना है कुछ भी नहीं ये तो सारा कुछ मेरे कोल एवें मेरी मखलूक तो उम्मीदा रखियां ही ताई अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का فسواك فادلك في اي صورت ما شاء ركبك او جدوں مینوں چھڑ کے مخلوق دے دروازے تے جانا میں اودوں اے سوچیا کر بندے اپنی پیدائش ول غور کریا کر ہن تاں تو سب کچھ کر سکنا میں اپنے ہتھاں نال کام وی کر سکنا میں زبان تو میرے کولوں منگ وی سکنا میں اوئے اودوں تے غور کر جدوں تو ना मंग सकदा सै ना कम कर सकदा सै अपनी वालदा दे पेट दे अंदर सै ओ अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम मैं उस जगह ते जिथे तेनू तैयार कीता वे ते तेरी खुराक दा बंदोबस्त तेरी वालदा दे जिस्म दे अंदर कर दिता वे ते जदों तू आ गया दुनिया ते कदे गौर ही नहीं ओ कीता गौर करके वेखना जदों बच्चा दुनिया ते आंदा है ना अल्लाह दी कसम तुसी ते मैं वेने हाँ तुसी भी वेखिया होएगा जदों दाई मोहतरमा जनाब नरस साहबा इंज करके उंदा नाड़ू कट दिंदियां ने अंदर वाली खुराक दा सिस्टम मुक जांदा वे ओ हाल हाल करन लग जांदा वे हाय मैं मर गया भुखा हुण भी इंदी बंदे दी फितरत देवे ना जदों इनू मालूम होवे पता नहीं कोरोना आ जल्ले मर जांगा भुखा की बनेगा जदों इंदा टुकर सौड़ा होण लगदा वे हाल हाल करदा वे उदों बच्चा रोना शुरू कर देंदा
उनकी खुराक वाला मामला जदों मुनकते कर दिता जाता है, अल्लाह फरमाते ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं सदके जावा उनदिया रहीमिया ते करीमिया तो लोगों कदे सोचिया ही नहीं। मैं ते तुसी इस गल ते जरा गौर करो ना, अल्लाह पाक ने इनिया नेमतां दित्तिया ने, अल्लाहु अकबर बेशुमार नेमतां तां कीतिया ने। अल्लाह ये भी कह सकता सी लेकिन क्या नहीं सो, अल्लाह कह सकता सी कोई गल नहीं है, तेरे लिए मैं कणक बीजेगा, कणक बना छड़िया ने, मूंजी जनाब आवेगी वह खा लवी, ये तेरा जनाब सिस्टम मुनकते कर देता वे, इन्हें फ्रूट तेरे लिए पैदा किए ने, सेब खा ली करी, अनार खा ली, केले नरम नरम खा लवी, कुरबान जावा वाकया ही अल्लाह सुनिया, तू सत्तां सत्तर मावां की करोड़ अरबा मावां नालों ज्यादा प्यार करने वाला बादशाह है। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं ये सेब खान जोगा नहीं दा, ये जे गन्ने चूपण जोगा नहीं दा, हुण की करना है? फरमाया अलम नजअल्लाहु ऐनैन, बल्ले बल्ले बल्ले, एडा रहीम यार, वो जिन्ने जोगे हैं ना, मैं तो अक्सर ये लफ्ज़ बोलता रहना, सानू ओना ही काम पाता है। ए जड़ी आयत है ना, मेरा दिल करता है ये असी गले च लटका लिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह फरमाते ने किसी की वुसत तो ताकत तो वद मैं उन्दे ते बोझ कदे भी नहीं पाता। अल्लाह अकबर इन्दे ते बोझ नहीं पाया, ये नहीं आख्या इनू सेब खुआओ जड़ा राती जमया वे, ना ना ना। अल्लाह फरमाते ने अलम नज अल्लाहु ऐनैन वाली साल अशफदैना, इनू मैं दो अखां अता कर दित्तियां ने, अल्लाह दो होंठ अता कर दिते ने, ते होंठां दे विच इक जबान दे छड्डीए, इंज मूँह खोलेगा ना अखां खोल के वेख लै, तेरी वालदा दे जिसम दे नाल ही तेरी रोजी का बंदोबस्त कर छड्डिया वे, बड़ा ही फिर बदबख्त है ना। फिर उन्हू छड़ के कबरां चट्टे जाके, उन्हू छड़ के दे गैर अल्लाह दे सामने सजदा रेज होवे, फिर अकल दी कमी है ना, कि जदों कुछ नहीं सा कर सकता, मंग भी नहीं सा सकता, उन्हें उदों भी मैनू अता कीता। अलम नजअल्लाहु ऐनैन वलिसानं वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन फलक्तहमल अक़बत वमा अदराकमल अक़बा। अल्लाह फरमांदे ने मैं दो अखां भी दे दित्तियां, होंठ भी दे दित्ते, ते वालदा माजदा ते जिस्म दे नाल तेरी रोजी का बंदोबस्त कर दिता वे। अल्लाह अकबर, ता अल्लाह फरमाते ने अल्लाह दी खलक अल मौत वल हयात हु अल्लाह दी युसव्विरुकुम फिल अरहामी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने ता क्या मेरे बंदे अपनी पदैश वल गौर करया कर, तेनू अपने खालक दा पता लग जावेगा वह किन्ना कु मेरे नाल प्यार करदा वे। उस रहीम दा दरवाज़ा छड़ के, शाजोर दा दरवाज़ा छड़ के, कमज़ोरां के जाके तलियां प्या करना वे। ओए कमलिया, इंदा नाम शिरकी, जिहड़ी सिफात उंदे अंदर ने वो मखलूक दे अंदर पाना पिया, ऐ मेरे नफे नुकसान दा मालक है। अल्लाहु अकबर, हालांकि अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को नो ऐलान करवा दिता है, फरमाया कुल्ला अमली को ले नफसी नफाऊ वाला जर्रा। अलो को ना मैं तुहाडे नफे नुकसान का मालक हाँ, ना अपने नफे नुकसान का मालक हाँ। नफे देन वाला वे ते अल्लाह, शफावा देन वाला वे ते अल्लाह, अल्लाहु अकबर माला औलादा अता करन वाला वे ते अल्लाह, माला माल किसे नू कर दे वे ते अल्लाह दियां मर्जियां ने, किसे नू थोड़िया च रखे ते अल्लाह दियां मर्जियां ने। अल्लाह फरमाते ने मैं तो तेरे ते बंदे आ उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਜੋਗਾ ਸੈਂ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਹਾਲ ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਕਾਲ ਖਾਂ ਮਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਵਾਦਾ ਮਿਲਾ ਬਨਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਦਾ ਮਿਲਾ ਬਨਨ ਖਾਲਿਸਨ ਸਾਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰੀ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀ ਲੈ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੈਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਸ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇ। ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਝੂਠ ਜੇ, ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖਾਲਸ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੁੱਧੀਆ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਰਾ ਪਾ ਦੇਵੀ। ਓਏ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਕੋਲੀ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੈ ਤੇਰਾ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੱਪ ਪਾ ਲੈਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਨਨ ਖਾਲਿਸਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਖਾਲਸ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਗੋਬਰ ਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਟਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਖਾਲਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸ ਪੈ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਜਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕਾ ਇੰਨੀ ਕੁਲ ਤੂੰ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਮੇਰੇ ਅਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਰੋਨੇ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਂ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕੋ ਬਿਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਦਾਰੀਗਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਧ ਸੋ ਵੱਧ ਮਦਾਰੀਗਰ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਮਦਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਦਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਖਲੂਕ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਝੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਝੁੱਕ ਜਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾ।